गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम अब इसमें पाइथन में स्टार्ट करेंगे। अभी हमने जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा लिया था कि भाई डेटा टाइप्स था लास्ट वीडियो में, अब आगे हम बात करेंगे पाइथन में कि आपके इसमें जो टॉपिक्स हैं वो उसमें हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अब ऑपरेटर्स जैसे अगर आपको कोई भी मैथ से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस करना है, जैसे मैंने प्लस माइनस किए तो वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हो गए। अगर आपको कोई पता करना है कि इफ स्टेटमेंट लगा के कोई ग्रेटर देन और लेस देन वैल्यू निकालनी है तो वो आपके रिलेशनल ऑपरेटर हो गए, लॉजिकल ऑपरेटर हो गए, मेंबरशिप ऑपरेटर हो गए, बहुत सारे ऑपरेटर हैं जिनकी हेल्प से हम अलग अलग टाइप से इसमें कैलकुलेशंस कर पाते हैं। यानी कि अगर हम जो कोई कोडिंग बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, जैसे मैंने भी छोटे छोटे बनाए थे कि एक नंबर लिया था ए और एक में बी लिया था, फिर उनको प्लस करके बताया था, वो अर्थमेटिक ऑपरेटर में था। ठीक है, तो ऑपरेटर की पहले एक डिफाइन लेते हैं। ऑपरेटर क्या है? एन ऑपरेटर इज यूज टू परफॉर्म, एन ऑपरेटर इज यूज टू परफॉर्म, एन ऑपरेटर इज यूज टू परफॉर्म ए ऑपरेशन। एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो ऑपरेटर है वो है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या क्या होते हैं? एक तो आप प्लस कर सकते हैं, एक माइनस कर सकते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये चारों चीजें आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक प्रोग्राम बेसिक लेके देखते हैं जिससे आपको ये चीजें समझ में आए कि भाई अर्थमेटिक ऑपरेशन में मैंने एक प्लस वाला तो किया ही था। अब मैं कहूँ कि भाई अगर मेरे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में नेम है, ठीक है, मैंने बाई नेम लिए, पहले मैंने डिजिट में प्लस किया था, जैसे मैंने लिखा था कि ए की वैल्यू कोई भी वैल्यू असाइन करा दी, एक बी की वैल्यू असाइन करा दी और फिर उसके बाद मैंने सी में दे दिया ए प्लस बी और फिर मैंने कमांड दे दी प्रिंट सी, तो फिर उसने क्या किया था कि भाई इन दोनों का टोटल 13 दे दिया था। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि जो मैं वैल्यू असाइन करा रहा हूँ वो एक इंटीजर नहीं है, इसे बोलते हैं हम इंटीजर यानी डिजिट में। अब अगर मैं डिजिट में ना लेके अगर मैं स्ट्रिंग में लेता हूँ, न्यूमेरिक वैल्यू लेता हूँ, तो फिर क्या होगा? तो फिर इस तरह से होगा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ए इज इक्वल्स टू, यहाँ लिख दिया मैंने हेलो और फिर बी इज इक्वल्स टू लिख दिया वर्ड, या और भी कोई वर्ड ले सकते हो, कॉमन है वो हेलो वर्ड क्योंकि बेसिक स्टार्टिंग इसी से करते हैं। सी इज इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे ए प्लस बी कर दिया, तो जब मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा कमांड को प्रिंट सी, तो वो यहाँ पे आपको क्या देगा प्रिंट आउट में हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो इस टाइप से आपके बेसिक जो है ऑपरेशन में चलता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसमें आप प्लस का कर सकते हैं, यही माइनस का कर लीजिए और डिवाइड का भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई का भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई के लिए स्टार का साइन है और डिवाइड के लिए हैश का साइन। ठीक है, तो ये आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स रहे। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद सेकेंड नंबर का जो ऑपरेटर है वो है आपका रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर कौन से ऑपरेटर होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर में अगर मुझे रिलेशन करना है तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ। जैसे अगर मुझे इफ स्टेटमेंट यानी कि एक वैल्यू में से अगर दो ऑप्शन में से कुछ में एक ऑप्शन चूज करना है तो उसमें मैं लगाता हूँ डबल इक्वल्स टू, यहाँ पे यूज होता है कि अगर आपका जो इसके बराबर है तो आपको ये यूज करना है, अगर बराबर नहीं है तो आपको ये यूज करना है। इफ और एल्स में ये होता है ना, इफ तो ये, अगर एल्स वाली कमांड है तो दूसरा, तो इफ के लिए अगर इक्वल्स टू यहाँ लगता है तो डबल लगता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको नॉट इक्वल्स टू चाहिए
तो आपको एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ उसको यूज करना पड़ेगा, तो ये हो गया नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये जो आपके रहते हैं ये रहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशनल ऑपरेटर के बाद फिर आगे हम देखते हैं इसके बाद अगला ऑपरेटर कौन सा है, थर्ड ऑपरेटर रहता है आपका रिलेशनल ऑपरेटर के बाद असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, असाइनमेंट में जैसे अगर मैं कोई असाइनमेंट दे रहा हूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि इसमें असाइनमेंट में जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर होते थे वही इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। जैसे मैं यहाँ लिखा कि भाई a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 9, ये लिखा था मैंने। अब मैंने यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को फिर प्लस किया था, अगर मुझे इसको प्लस करने का दूसरा मेथड निकालना है कि वो प्लस हो जाए, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसको हटा के कि डायरेक्ट अगर मुझे प्लस करना है तो a में ही मुझे प्लस करना है, तो a में मुझे 5 और प्लस करने हैं, a प्लस करके और इक्वल्स टू का साइन लगा के मैंने लिख दिया 5। ठीक है, तो a में प्लस करने हैं आपको 5 और फिर मैंने प्रिंट करा दिया a को। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आपका जो प्लस है वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका 9। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, अगर आपको b नहीं देना ना फॉर्मूला लगाना, आपको डायरेक्ट काम करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इसके बाद एक चौथा ऑपरेटर और है, वो है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है कि अगर मुझे इसमें कोई लॉजिक लगाना है, ट्रू और फॉल्स पता करना है, या फिर आपको उसके अलावा कोई और तरीके से ट्रू और फॉल्स के अलावा कि कोई ग्रेटर वैल्यू पता करनी है, लेस देन वैल्यू पता करनी है, ऐसे इफ स्टेटमेंट में करते थे, या आपका इफ स्टेटमेंट रिलेशनल ऑपरेटर्स में, ठीक उसी तरह से हम यहाँ करते हैं आपका लॉजिकल ऑपरेटर। जैसे अभी मैंने ये कहा कि भाई ये या तो ये इक्वल हो और या फिर इससे कम हो, तो दो कंडीशन अगर मुझे लगानी है तो लॉजिकल में मैं लगा सकता हूँ एंड, यानी कि या तो इफ स्टेटमेंट एक ही में तो नहीं लग सकता कि इफ और एल्स बस यही हो जाए, इफ और एल्स में मैंने और कमेंट बढ़ा दी कि या तो ये इक्वल हो या इसके बराबर हो तो ये, और या फिर इक्वल नहीं है और बराबर भी नहीं है तो फिर आपका दूसरा, तो एंड लगा के कर सकता हूं और लगा के कर सकता हूं और या तो इन दोनों में से एक हो, और या फिर एक नॉट कमांड भी लगा सकता हूं। ठीक है, ये इस टाइप से मैं ये ऑपरेटर यूज कर सकता हूं। तो ये नॉर्मली है, अगर इन दोनों में तो मैंने आपको यूज करके बताया छोटे मोटे थे, ये रिलेशनल ऑपरेटर आपका इसके बाद ही आएगा जिसमें इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे, उसमें ये भी आपको यूज करके बताएंगे लॉजिकल ऑपरेटर भी। ठीक है, तो ये एंड और नॉट, तो ये तीनों आपके यूज होंगे उसमें लॉजिकल ऑपरेटर में। जैसे मैंने लगाया कि भाई इफ स्टेटमेंट, अभी मैं आपको लगा के बता देता हूं कि इफ इज ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए जो है बी से ग्रेटर हो, और एंड भी लगा दिया मैंने इसमें, और ए इज ग्रेटर देन सी, तो इस टाइप से, और यार रेशियो का साइन लगता है। ठीक है, तो अगर इस तरह से स्टेटमेंट है तो इसमें एंड कमांड भी यूज किया है और एक और से भी यूज कर सकता था, और या फिर यहाँ पे नॉट भी यूज कर सकता था, मतलब इस कंडीशन में नॉट नहीं होगा, नॉट दूसरी तरीके से यूज होगा। ठीक है, तो ये आपके जो रहते हैं ये हैं लॉजिकल ऑपरेटर। अब इसके बाद एक लास्ट ऑपरेटर और है, वो है आपका पांचवा ऑपरेटर, फिफ्थ वाला ऑपरेटर और है। फिफ्थ ऑपरेटर क्या है आपका, मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर्स कहाँ यूज होते हैं, जब मैंने आपको डेटा टाइप डिफाइन किया था तो उसमें डेटा टाइप में एक मैंने लिस्ट, टुपल और स्ट्रिंग, तीन वेरिएबल थे। तो अगर मुझे कोई लिस्ट बनानी है, मान लीजिए मैंने लिस्ट बनाई है लिस्ट वन के नाम से, और इसमें लिखे हैं 1, 2, 3, तीन वैल्यू डाली है। ठीक है, अब मुझे इसमें से पता करना है, मैं एक कमांड लगा रहा हूँ, अभी तो छोटे से तीन ही नंबर है, अगर बहुत बड़ी लिस्ट हो और उसमें से मुझको ये पता करना है कि इनमें एक नंबर ये वाला है या नहीं है, तो उसके लिए मैं कमांड लिखूंगा
तो यहां लिखूंगा जैसे मैंने 3 को फाइंड करना है, 3 इन लिस्ट 1, तो इस टाइप से अगर मैं लिखूंगा 3 इन लिस्ट 1, तो वहां पे आपका जो आंसर है वो किस में आएगा, या तो ट्रू क्योंकि ये भी तो यहां है, अदरवाइज आपका अगर नहीं होगा नॉट की कंडीशन में आपका फॉल्स, इस टाइप से आपके ये स्टेटमेंट रहते हैं। तो इससे क्या हेल्प मिलेगी हमें ऑपरेटर से, ऑपरेटर से जब हम कोडिंग करेंगे, जब हम इनके प्रोग्राम बनाएंगे वैसे छोटे मोटे, तो ये ऑपरेटर से हमें ये हेल्प मिलेगी कि कहाँ प्लस लगाना है, कहाँ इक्वल्स टू साइन लगाना है, कहाँ लेस देन लगाना है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम ये सारी चीजें कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आप पहले समझ लीजिए, वीडियो को पॉज करके देखिए थोड़ा सा इसको, फिर आप आगे जब हम नेक्स्ट वीडियो बताएंगे तो ये सारी चीजें आपको और अच्छे से क्लियरिफाई होने लगेंगी। अभी थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, जब धीमे धीमे आगे बेसिक्स से जब आगे बढ़ेंगे तो उसमें सब चीजें आपको क्लियरिफाई होंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।